सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरप्रीत सिंह, कंसल्टेंट सर्जन, बाबा नर्सिंग होम बस्सी पठाना तो थोड़े नाल फिर एक बारी रूबरू हो रहा हाँ। असी अपने जो टॉपिक्स पहला भी डिस्कस किए हैं, असी अपने एक अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस तो ही टॉपिक सिलेक्ट करके थोड़े नाल डिस्कस करते हाँ, क्योंकि हुण 22-23 साल हो गए हैं ये सर्जिकल प्रैक्टिस के विच पए, तो रोज़ नित नवे कुछ ना कुछ एक केस आते रहते हैं जेडे कि असी समझते हाँ कि बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे तुहानू सारे नू एक्सप्लेन करने। सो अज ही उस तरह का टॉपिक असी लै रहे हैं जिन्हों असी एक नॉन हीलिंग अल्सर, अल्सर मतलब कि जख्म। सो ये जख्म साडा किधरे भी हो सकता है, साडे शरीर के बाहरले पार्ट्स से भी हो सकता है और यही अल्सर साडे बॉडी के अंदर भी हो सकता है। सो ये अल्सर जिथे होएगा उस दे अकॉर्डिंगली इहदा एक नाम पै जाएगा, जिस तरह के पहला भी डिस्कस हो गया है, जिवें कि गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेट का अल्सर, इंटेस्टाइन का मतलब आंतड़ियां का अल्सर, जे ड्यूडिनम दे विच है तो ड्यूडिनम अल्सर, वो असी ऑलरेडी तुहानू बड़ा डिटेल डिस्कस कर चुके हाँ। अज असी जिहड़े अपने बॉडी के बाहर दे नॉन हीलिंग अल्सर, जिहड़े कि जख्म ठीक नहीं हुंदे, साडे बाहर सानू दिखते रहिंदे हन, पेशेंट पट्टियां कराई जाते हैं पर फिर भी सानू कोई रिकवरी नहीं मिलती, फिर पेशेंट खज्जर खुआर होकर फिर अल्टीमेटली पहुँचता है, फिर सानू डायग्नोस करना पैंदा है भी उस अल्सर नू ठीक होने का कारण एग्जैक्टली की है। सो जिहड़े अल्सर साढ़े 2-2.5 महीने तो उपर चले जाते हैं, असी उन्होंने नॉन हीलिंग अल्सर दे विच कैटेगरी इनकलूड कर लेंगे हाँ। सो वह अल्सर नू असी कदी भी इग्नोर नहीं करना, आप रूटीन च कोई भी पेशेंट नू कोई सट लगती है बार जख्म ऑटोमैटिकली 10-11 दिन वध तो वध 15 दिन के विच हील हो जाता है। सो जिहड़ा कि अल्सर नॉर्मली असी टाइम तो बाद ज़्यादा देर तक नहीं हील हुंदा देखते, असी कैटेगरी नॉन हीलिंग अल्सर च लै जांदे हन। सो पेशेंट बहुत ज़्यादा, असी हुण 2004 तो लैके 2022 तक असी तकरीबन हज़ारा पेशेंट्स नू फॉलो कर चुके हाँ, अंडर फॉलोअप हैं, जिहड़े कि बड़े इंट्रस्टिंग और बड़े शॉकिंग रिजल्ट सानू मिले हैं उस नॉन हीलिंग अल्सर दे। पेशेंट आन गए, 3 महीने हो गए जी पट्टी कराते, सानू ठीक नहीं हो रहा जख्म, सानू साल हो चलिया है, सानू 1.5 साल 2 साल तक दे भी पेशेंट साढ़े कोल रूटीन एज ए नॉन हीलिंग अल्सर आते हैं, जिहड़ा कि अगला सोचता है शायद मैं बीटाडीन की पट्टी कर लाँ या मैं न्यूसपोरिन की पट्टी कर लाँ या कोई भी होर ऑइंटमेंट की पट्टी कर लाँ तो शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट भी तंग आ चुका हुंदा है कि मैं ठीक होना नहीं है, भी डॉक्टर ने भी इस मलम की या इस दवाई की ही पट्टी करनी है तो वह मैं पट्टी कर लैंदा हाँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। पर ग्रेजुअली नोट करता है भी अल्सर की जिहड़ी शक्ल है वह हौली हौली चेंज हुंदी जाती है तो कोई भी रिकवरी किसी पास्यों भी नहीं मिलती। कई गल्लां तां साडियां पेशेंट दियां अपनियां गलतियां हुंदियां हन, जदों कि पेशेंट कोई अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम ना होए या पेशेंट सोचता होए भी यही चीज़ डॉक्टर ने पट्टी करनी है उत्थे पैसे देने नालों मैं आप ही पट्टी कर लाँ। सो पेशेंट अपने घर के जड़िया रूटीन च रूम बाज़ार चो मिलती है जिहड़ी कि एक नॉन स्टरलाइज रूम हुंदी है या नॉन स्टरलाइज पट्टियां हुंदियां हन, पेशेंट अपने कई रीजनस करके उन्होंने वरती जाता है, रेगुलर अपने वालों उस जख्म नू साफ कर रहा हुंदा है पर उल्टा जख्म इनफेक्ट हो रहा हुंदा है। सो जिहड़ी अनस्टरलाइज कॉटन खास करके जिहदे विच कि बड़े बरीक धागे हुंदे हन, असीं जे उहनूं बार बार एक जख्म ते यूज़ करिए तां साडा जख्म 100% खराब होना ही होना है। मैं भी अपनी पीजे दी प्रैक्टिस तो बाद जदों अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस दे विच आया तां बड़ा अजीब जिहा सवाल देखिया, मैं हर एक बंदा कहिंदा जी मैं रूह नाल साफ करके आया हाँ, मैं रूह नाल साफ करके आया ना, मैनूं बड़ा अजीब जिहा लगना भी रूह नाल कौन साफ करदा है। ये एक्चुअली इग्नोरेंस है जो कि पेशेंट्स नूं एक सिंपल रूह की पट्टी करन नाल पता नहीं है। हर एक पेशेंट के घर के विच रूह हुंदा है, जदों कोई सट लगती है माड़ा जिहा रूह कॉटन लैके उहदे ते बीटाडीन लगा ली या स्पिरिट लगा ली तो उहदे नाल पट्टियां कर लीआं, पर आपां नूं इह नहीं पता चलता भी जिहड़ा उहदा बरीक बरीक धागा है ग्रेजुअली उह साडे जख्म के अंदर जाना शुरू हो गया है, उहदे विच इनफेक्शन वधदी जा रही है उस धागे नाल, क्योंकि वह अनस्टरलाइज्ड कॉटन यूज़ कर रहे हुंदे हन। सो पेशेंट का जख्म काफ़ी ख़राब हो जाता है, लेटर ऑन डॉक्टर को प्रजेंट करता है, कई टाइम तो सानू कई कई दिन तक उते धागे कढ़ने पैंदे हन।
एक सिंगल सिटिंग दे विचो बरीक बरीक धागा भी सानू नहीं दिखता अखां दे नाल कई बारी तो वॉश कर करके वो बरीक बरीक सानू कॉटन के धागे कढ़ने हन। कई बारी जिहड़ा सिंपल जख्म हुंदा है वो साडा इन्ने क काम नाल ही जख्म चौथे पंजवें दिन जाके नॉर्मल होकर ठीक हो जाता है। सो एक बड़ी बेसिक गल है, रब ना करे जे किसी नू घर दे विच सट लगती है तो सिंपल कॉटन कभी भी यूज़ नहीं करना। सो घर अपने अजकल ड्रेसिंग्स मिलती हैं, घरों एक अद्धी ड्रेसिंग्स घर रखो, स्प्रे मिलती हैं, स्प्रे करते हैं उन करके टैंपरेली सीधे एक डॉक्टर को जाओ जिथे तुहानू कोई क्वालिफाइड डॉक्टर मिले। उस तो बाद जिथे कि सारा स्टरलाइज पार्ट हुंदा उहदी ड्रेसिंग कराओ। जे प्रॉपरली कराओगे तो तुहाडा जख्म ऑटोमैटिकली जो एक कुदरत दा टाइम नियत होया है 10 to 12 days तक वो ठीक हो जाता है। सो हुण अपना टॉपिक जिहड़ा नॉन हीलिंग अल्सर दा हैगा दूसरे पासे चला गया, जिहड़ा कि पेशेंट सारा कुछ करन दे बावजूद भी जख्म ठीक नहीं हो रहा। सो इहदे विच सानू कई बारी कई डिजीजेज हुंदियां हन, कोई लत्तां ते जिहड़े जख्म हन मोस्टली उहनां दे, खास करके जिन्हां दे कोई ड्राइवर हुंदा है या जिन्हां दा खड़न दा काम हुंदा है, और एक टिपिकल साइट तो तुहानू पता चल जांदा है भी इह जख्म क्यों नहीं हील हो रहा। उहदे विच जिहड़ा कि मैं गल कीती है कोई ड्राइवर हैगा, कंडक्टर हैगा, फौजी हाँ जिन्हां दे विच पैरां ते लत्तां ते जख्म हो जांदे हन, उहनां दे एक वेरीकोज वेन्स करके भी बड़ा कॉमन जख्म हुंदा जिहड़ा कि हील नहीं करदा, और एक यह कॉम्प्लीकेशन ही हुंदी है वेरीकोज वेन्स की। जदों असी उहदा ट्रीटमेंट नहीं करते तो एक नॉन हीलिंग अल्सर च कन्वर्ट हो जाता है जिहड़ा कि एक लिमिट तो बाद कैंसर दे विच भी कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी गल है जिहड़ा कि इन्नी देर जिवें मैं पहलां भी कहा साल डेढ़ साल दे जख्म हन, उहनां दी शकल सूरत तो भी आइडिया सानू लग जाता है कि किधरे यह टीबी दा अल्सर तो नहीं है, यह कैंसर दा अल्सर तो नहीं है, या कोई होर अंडरलाइंग ऐसी बीमारी होवे, सपोज इहनू सट लगी होवे, उहदी हड्डी इनफेक्ट हो गई होवे, वो हड्डी दी इनफेक्शन जिहनू असीं ऑस्टियोमलाइटिस कहिंदे हाँ वो भी जख्म नू हील नहीं होण दिंदी। एक वारी तां जख्म हील हो जाता है पर थोड़ी देर बाद दोबारा फिर देखते हैं कि जख्म खुल जाता है। सो बेसिक उहदा कारण जिहड़ा हुंदा है वो एक इनफेक्टिड हड्डी हुंदी है जिसनू असीं ऑस्टियोमलाइटिस कहिंदे हाँ। सो हमेशा जिहड़ा भी नॉन हीलिंग अल्सर है उहनू कदे भी इगनोर ना करो, क्योंकि उहदे अंडरलाइंग जिहड़ी बीमारी है वो हमेशा सीरीयस ही हुंदी है। जिवें मैं पहले ही समझाया है वह कैंसर भी हो सकता है, ऑस्टियोमलाइटिस भी हो सकता है, वेरीकोज अल्सर भी हो सकते हैं। सो ये गल्लां दा नॉन हीलिंग अल्सर दे विच बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। होर बहुत सारिया बीमारियां हुंदियां हन जिहड़ियां कि सानू बायोप्सी लैण तो बाद ही कन्फर्मेशन दे विच आउंदियां हन, असी भी कुछ कभी सोचा नहीं हुंदा भी इस टाइप की बीमारी भी पेशेंट नू हो सकती है। सो जिहड़ा एक नॉन हीलिंग अल्सर है साडा एक प्रोटोकॉल हॉस्पिटल का बनया होया है। पहला असी अपने अकॉर्डिंगली एक पट्टी या दो पट्टी करते हाँ, जदों तक कि सानू लगता है भी पेशेंट रिकवर कर रहा है तो असी सिंपल प्रोसैस चलते हाँ, नहीं तो असी उस एज के उपरों बायोप्सी लैके पेशेंट का एक्सरे कंसर्न करा के या वो डॉपलर स्टडी अल्ट्रासाउंड वाली है वो लोड़ है वो करा के डायग्नोस कराने तो बाद उसका ट्रीटमेंट करो तो तुहानू रिकवरी भी बहुत फास्ट मिल जाती है, क्योंकि तुहाडा बेसिक जिहड़ी बीमारी है उनू एलीमीनेट करन दा टीचा होना चाहिए है भी मैं उन्हों कढ़नी ही कढ़नी है ताकि जख्म पेशेंट का ठीक हो सके। सो एक जख्म ना ठीक होना या नॉन हीलिंग अल्सर पेशेंट नू कदी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो किसी कंसर्नड डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर को जरूर जाओ। सो अज जिवें असी दोस्तों डिस्कस किया है जिहड़े जख्म ना ठीक होने वाले साढ़े चमड़ी के उपर हैं उन्हां नू इग्नोर ना करो ताकि कोई अंडरलाइंग जिहड़ी बीमारी जो कि कुदरत तुहानू एक घंटी दे रही है वो इग्नोर ना हो सके, ताकि वो जो हथों लंघ जाती है बीमारी तो सानू बाद दे विच काफ़ी पछतावा करना पैंदा है। सो हैव अ गुड डे एंड गुड हेल्थ ऑलवेज। थैंक यू।